स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। शासन प्रशासन की लापरवाही से पकड़े गए दो डंपर, एक ट्रैक्टर फिर से गायब। परीक्षा के दौरान नकल करते कैमरे में कैद हुए बच्चे, शिक्षक ने किया नजरअंदाज। सड़क हादसे में वाहन एजेंसी कर्मी की मौत, दो गंभीर। अब खबरें विस्तार से। पकड़े गए दो डंपर, एक ट्रैक्टर गायब। शासन प्रशासन फिर से लापरवाह। अहमदनगर राहुली तहसील कार्यालय के पकड़े गए अवैध दो डंपर और एक ट्रैक्टर गायब हो गया है। यही खबर सुनते ही इलाके में खलबली मच गई है। इस घटना से मौसूर प्रशासन की लापरवाही नजर आती दिख रही है। राहुली तहसील के परिसर में वाहन गायब होने की घटना बुधवार की सुबह सामने आई है। राहुली के मूल नदी में अवैध तरीके से किए जाने वाली रेती की तस्करी में दो डंपर और एक ट्रैक्टर प्रशासन ने गिरफ्त में कर लिया था। कार्यालय के आंगन में रखी गई थी तो अचानक बुधवार की सुबह कार्यालय के आंगन से वाहन गायब होने की खबर सामने आई है। इस कारण से राहुली के मसूल प्रशासन जागे हुए है। शासकीय काम के लिए तालुके के अनेक लोगों ने आते जाते के रहने के बाद वाहन गायब होने से लोगों में खलबली मची हुई है। प्रदेश भर में इस समय स्कूलों में परीक्षाएं चल रही है। इस बीच जिले के एक स्कूल में परीक्षा के दौरान बच्चों द्वारा नकल करने का मामला सामने आया है। मौके पर मौजूद शिक्षकों से जब इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाही करने की बात कही है। यह खबर छतरपुर की दर्शाई जाती है। 9वीं के बच्चों ने गाइड रख कर नकल करते हुए और शिक्षक नजर अंदाज करते रहे। जब शिक्षक से बात की तो वह कैमरे के सामने भागते हुए नजर आए। बाद में उन्होंने कक्षा से गाइड उठाकर बाहर करते हुए रख दी कि और कहा कि वह देख नहीं पाए थे कि बच्चे कब गाइड लेकर आए। सड़क हादसे में वाहन एजेंसी कर्मी की मौत, दो गंभीर हो गए हैं। यह घटना बिधापुर उन्नाव रायबली मार्ग पर पुलिया की दीवार में भिड़ गए दो हादसे में युवक की मौत हो गई है, जबकि युवकों ने हेलमेट लगाए हुए थे। हादसे में शहर कोतवाली के देवारा गांव के निवासी शैलेंद्र 24 साल के और करावन निवासी विमल और भीमशंकर घायल हो गए हैं और वहां यह हादसा हुआ है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।